युवा कांग्रेसियों ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जगदलपुर में जिलाधीश कार्यालय का घेराव किया। जिलाधीश की अनुपस्थिति में बस्तर के युकायु ने SDM को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से युकायु ने 2100 रुपए प्रति क्विंटल की न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर से किसानों से धान खरीदी करने और विगत 3 वर्षों से अंतर की राशि को बोनस के रूप में किसानों को अदा करने की मांग रखी है। ज्ञापन में नगरनार इस्पात संयंत्र के विनिवेश का विरोध करते हुए युकायु ने फैसला रद्द करने की मांग की है। ज्ञापन में इसके अलावा झीरम कांड की CBI जांच, नानागुर को विकासखंड का दर्जा देने और शासकीय विभागों में आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने की मांग युकायु ने की है। युवा कांग्रेस ने जगदलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज की अनियमितताओं, गैस सिलेंडर, मिट्टी तेल, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों का जिक्र भी ज्ञापन में करते हुए रमन सरकार को भंग करने की मांग राज्यपाल से की है। 3 दिवसीय पदयात्रा किया, तीनों विधानसभा पंचायतों में पदयात्रा किया। उसके बाद आज बस्तर में ज्ञापन देने का हमारा प्रमुख मांग है, नगर नार का निजीकरण नहीं होना चाहिए। और दूसरी मांग हमारी है नानगुर को ब्लॉक बनाने के लिए। तीसरी मांग हमारी आउटसोर्सिंग को लेकर है, जो इतने बेरोजगार युवा बैठे हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आउटसोर्सिंग लगातार करते जा रही है। बड़े अफसोस की बात है कि पब्लिक सर्वेंट हैं और जनता से संवाद करने अधिकारी बाहर नहीं आ रहे हैं, कलेक्टर ही बैठे हुए हैं, अपर कलेक्टर ही बैठे हुए हैं। अफसर साहिब का इससे ज़्यादा घोपना चेहरा नहीं हो सकता कि अंदर बैठे हैं पर बाहर सेवाओं से चर्चा करने नहीं आ सकते। आउटसोर्सिंग आवाकाल में वहाँ के आदिवासियों को बंद कर दिया गया जो लकड़ी काटे थे अपने रास्ते के लिए, ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर कुछ कांग्रेस ने घेराव कर ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं। देखते हैं कि अधिकारी कितनी देर बाद वापस आएंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।